नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ट्विटर ने भारत के नक्शे से छेड़खानी की है। आपको बताते चलें कि ट्विटर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ट्विटर ने अपने कैरियर पेज पर अलग दिखाया है, गायब कर दिया है भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। सरकार और ट्विटर पहले से ही आमने सामने हैं और अब इस हरकत के बाद ट्विटर की, आपको बताते चले, सरकार और ट्विटर में और ज्यादा दूरियां आ सकती है। ट्विटर के कैरियर पेज पर भारत का जो नक्शा है उससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख गायब हो चुके हैं। मैप से आपको बताते चले, ट्विटर के कैरियर पेज पर इंडिया का जो मैप है, भारत का जो नक्शा है, उससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो अलग हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि ट्विटर ने एक बार फिर से भारत के नक्शे के साथ छेड़खानी की है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। डार्क ब्लू वाला जो एरिया है उसको ट्विटर ने इंडिया बताया है और जो लाइट ब्लू वाला एरिया है उसको ट्विटर ने, आपको बताते चलें, कि अन्य देश का नक्शा अपने कैरियर पेज पर बता दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे, ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश बताया है। ट्विटर ने इंडिया के मैप से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बुलंदशहर से। बुलंदशहर में सरकारी डॉक्टर पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि मायके वालों ने डॉक्टर पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है और मारपीट, दहेज के लिए प्रताड़ित करने के साथ गर्भपात करवाने का भी गंभीर आरोप लगाया। साथ ही आयुर्वेद चिकित्सक पर अपनी शिक्षक पत्नी की हत्या कर शव को नहर में फेंकने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने, आपको बताते चले, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुटी। और मेरी दीदी सहायक प्रिंसिपल थी यहाँ पे नरोरा में और उनके हस्बैंड प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक दुबई में थे। उन्होंने मेरी दीदी का मर्डर करके नदी में बह दिया है। उस रात से वो गायब थी और उन्होंने पहले भी विवाद किया है और उनके साथ काफ़ी मारपीट करते थे और वो नशे में भी रहते थे। उन्होंने काफ़ी पहले से उनके केस चल रहा था, लेकिन पहले से समझौता हुआ, फिर वो आई, लेकिन अब फिर से उन्होंने वही काम कर दिया है। हत्या की वजह क्या रही, क्यों ऐसा कर रहा? हत्या की वजह उनके बच्चा नहीं था, तो आए दिन उन्हें मेंटली टॉर्चर करते थे। कहते थे दूसरी शादी करूँगा, तू मेरी दूसरी शादी करवा और तू भी, और वो क्योंकि टीचर थी, उनको पैसे से संबंधित थे और उनका बीमा भी करा रखा है उन्होंने। चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। दो पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले, मामले विवाद को लेकर ये झगड़ा हुआ था, फल विक्रेता के साथ मारपीट की गई सिटी की खुर्जा गेट चौकी का ये मामला है, जहां पर आपको बताते चले फल विक्रेता के साथ मारपीट की गई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और आपको ये भी बता दें कि अब इस पूरे मामले का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिटी की खुर्जा गेट का ये पूरा मामला है, जहाँ पर आपको बताते चले दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। तो वहीं गोरखपुर में वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के कम होते ही भाजपा एक बार फिर से मिशन 2022 के लक्ष्य को भेदने में जुट चुकी है। इस बार भी भाजपा का पूरा जोर पूर्वांचल की सभी सीटों पर जीत हासिल करने का है, जिससे पूर्ण बहुमत से सत्ता भाजपा के हाथों में आ सके। कुछ दिन पूर्व गोरखपुर में सुनील बंसल के बैठक लेने के बाद का सिलसिला थमा नहीं है। भाजपा के यूपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने भी आज मैराथन बैठक में जीत के बाद गुरुमंत्र दिए। साथ ही गोरखपुर के सर्किट हाउस में यह बैठक सुबह 9 बजे से ही शुरू हो गई थी। गोरखपुर मंडल के सभी जिलों गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज के भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभारी के साथ सांसद, विधायक, एमएलसी और राज्यसभा सदस्य के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों को भी बैठक में बुलाया गया। शाम 4 बजे तक चली बैठक को पूर्व में गोपनीय रखा गया, हालांकि बाद में मीडिया को कुछ देर का समय दिया गया। सुबह से लगातार कई चरणों में चली मैराथन बैठक शाम 4 बजे समाप्त हुई थी। इस मैराथन बैठक में
विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन बैठक का मुख्य उद्देश्य मिशन 2022 का लक्ष्य भेदना रहा। सुबह से लेकर अभी तक ये जो कमिश्नरी है गोरखपुर, इसमें हमारे 5 संगठनात्मक जिले और सभी जिलों के हमारे माननीय सांसद, विधायक, एमएलसी और राज्यसभा के सदस्य, ये सब लोग उपस्थित थे। हमारे जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी थे। पार्टी के जो हमारे सारे आगामी कार्यक्रम हैं उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। अभी हम पूरे देश के अंदर 23 जून जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था और 6 जुलाई जन्म जयंती है, इस बीच में हम देश के सभी बूथों पर प्लास्टिक मुक्त बूथ और पर्यावरण युक्त बूथ, ये दो अभियान में हमारे सब कार्यकर्ता लगे हैं, जनप्रतिनिधि भी लगेंगे। और जो ये जो टीकाकरण का अभियान है, हमने नारा दिया है कि हमारा बूथ कोरोना मुक्त, और इसके लिए सबको वैक्सीनेशन हो, इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका होगी, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। कैसे चुनाव जीता जाएगा, कैसे अपनी उपलब्धियों को जो सरकार ने किया है उसको जाके जन जन को, हर घर को बताना, कैसे भारतीय जनता पार्टी पूरे कोरोना काल में खड़ी रही, सुख दुख में खड़ी रही, वो यही पॉजिटिविटी को देखना मेन इसका मूल मंत्र था कि पॉजिटिविटी कैसे आप बताएंगे और पॉजिटिविटी से चुनाव जीता जाएगा, ये एक सबसे बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री जी का दौरा हर महीने लगेगा, गृह मंत्री जी का दौरा। तो सहारनपुर में 14 मुकदमों में वांछित चल रहा गैंगस्टर जब्बार पुत्र फैजान को पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से फरार चल रहा था। पकड़े गए जब्बार के पास से पुलिस ने उसके अन्य दो साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मीर आलम और इरशाद को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे भी बरामद हुए। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला रवि नगर मेन रोड पर सुबह करीब 4 बजे ड्यूटी से लौट रहे रेलवे कर्मचारी के साथ मारपीट करने के बाद पर्स लूट लिया गया। मोहल्ले वासियों के अनुसार पीड़ित से सोने की चेन की भी अज्ञात लुटेरों द्वारा छीना झपटी कर लूटने के बाद वो फरार हो गए। सीसीटीवी में लूट का शिकार हुए व्यक्ति की मोटरसाइकिल लूटने की भी कोशिश करते हुए लुटेरे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जिसके बाद ड्यूटी से लौट रहे अन्य कर्मचारी को देखकर लूट की घटना को अंजाम देने के बाद पीड़ित रेलवे कर्मचारी के मोटरसाइकिल मौके पर छोड़कर फरार हो गए। तो बुलंदशहर में एक बार फिर दहेज लोभियों ने एक नवविवाहिता को दहेज की खातिर मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने कोतवाली स्याना पहुंचकर अपने पति, सास, ससुर, ननद, जेठ और 2 जेठानी के खिलाफ दहेज एक्ट सहित मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। स्याना कोतवाली पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है। मामला जनपद बुलंदशहर की कोतवाली स्याना क्षेत्र के किसी गांव का है, जहां पीड़िता की शादी लगभग 1.25 साल पहले जनपद बुलंदशहर के ही थाना खानपुर नगर में हुई थी। शादी के 2 महीने बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित और मारपीट कर रहे थे युवती को। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मेरे पति के मेरी जेठानी से अवैध संबंध भी हैं, जब वह इन बातों पर विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। और आगे पीड़िता ने बताया, उसका पति घर छोड़कर बुलंदशहर अपनी भाभी के पास जाकर रहने लगा। जब वह बुलंदशहर अपने पति के पास पहुंची तो उसके पति ने अपनी भाभी के साथ मिलकर लात घूसों से मारपीट की। तो एटा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से भारी मात्रा में चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन समेत 24,200 रुपये और मोबाइल फोन के साथ अवैध असलहा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि उनका एक संगठित गिरोह है जो रात में भैंस चोरी और सेंधमारी की घटनाओं को अंजाम देता है।
तो वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में विकास खंड पसगावा में भारतीय किसान यूनियन अवध के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला श्यामू की अध्यक्षता में गोमती नदी में अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह किया गया, जहां मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह करते रहेंगे। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत अब्बासपुर में बरनाला पोल्ट्री फार्म में संचालित हो रहा है, जिसके कारण मक्खियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से लगभग आसपास के दर्जनों गाँव के आम जनमानस परेशान हुआ है। पशु तक अत्यधिक परेशान है, जो कि मक्खियों की वजह से लोगों का खाना काम दूभर है, जिसको लेकर कई सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा, लेकिन आज तक समस्या जस के तस बनी है। शीघ्र अतिशीघ्र जांच कराकर समस्या से निजात दिलाई गई। आपको बताते चलें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदीप शुक्ला श्यामू का कहना है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन भारी संख्या में जनता के समर्थन में उतरेगी और लगातार धरना प्रदर्शन करेगी। है जिसकी वजह से लगभग एक दर्जन से अधिक गांव में मक्खियों का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पूरा आम जनमानस का जो जीवन है वो पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। घर की महिलाओं और बच्चों का काम करना सोना दूभर हो गया है, जिसके लिए पिछले एक वर्ष में कई संगठनों के द्वारा, कई सामाजिक लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। प्रशासन की तरफ से भरोसा दिया गया कि समाधान होगा, लेकिन धीरे धीरे वह इतनी जटिल समस्या बन गई है कि आज किसान या नहीं सोच पा रहा है कि हम अपने खेतों में आवारा मवेशी पशुओं से अपनी फसलों की सुरक्षा करें या मक्खियों से अपने घर के बच्चों और महिलाओं या खाने पीने वाली वस्तुओं की सुरक्षा करें। आज इस क्षेत्र के किसान के ऊपर दोहरी मार है, दो तरफ से किसान परेशान है, और एक तरफ उद्योगपतियों के दबाव में है प्रशासन, वहीं दूसरी तरफ सरकार की जो एक गलत योजना, गलत मंशा, गलत तरह से एक बड़ी योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि आवारा गौवंशों से निजात के लिए पशु आश्रय गृह स्थापित किए गए हैं, जिसमें समस्त आवारा मवेशी पशु उस पशु गृह में पकड़ कर रखे जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे तो सड़कों पर 500-500 की तादाद में आवारा मवेशी पशु घूम रहे। उन मवेशी पशुओं से किसानों की केवल फसलें नहीं नष्ट हो रही, तमाम किसान अपनी फसलों की सुरक्षा करते समय, तमाम राहगीर सड़कों पर चलते समय बेमौत मारे गए हैं आवारा मवेशी पशुओं के द्वारा। बस्ती में सपा प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी और दो सदस्य के लापता होने की खबर सामने आ रही है। पुलिस अभी तक लापता सदस्यों का कुछ पता नहीं लगा सकी। वहीं एसपी ने कहा है कि लापता सदस्यों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है, अब तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया। जिला पंचायत सदस्यों को सुरक्षा के लिए गनर दिया गया था, गनर होने के बावजूद सदस्य लापता हो गए। साथ ही लापरवाही होने पर 3 सिपाहियों को एसपी ने निलंबित कर दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 3 तारीख को जनपद बस्ती में होना है। इस संबंध में 10 दिन पूर्व से ही हमने सभी जिला पंचायत सदस्यों को एक एक गनर उपलब्ध कराया था। इस क्रम में कल SHO कोतवाली ने जब जानने का प्रयास किया तो 3 ऐसे सुरक्षाकर्मी थे जिनको अपने जिला पंचायत सदस्यों के बारे में जानकारी नहीं थी और उनके साथ में नहीं पाए गए। उनकी रिपोर्ट के आधार पर इन दोनों को निलंबित किया गया। जिला पंचायत सदस्यों से जहाँ बात करने का प्रयास किया जा रहा है, अब तक उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन SHO कोतवाली की रिपोर्ट। बुलंदशहर में राशन वितरकों ने POS मशीन को हाथों में लेकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर राशन वितरकों ने मलका पार्क के गेट पर प्रदर्शन किया है। मांगे नहीं माने जाने से राशन वितरक परेशान हैं। बार बार शिकायत दर्ज कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं राशन वितरकों ने मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन दिया।